अभी वो बच्ची के अच्छे दोस्त हैं जो बहुत सारी आई हैं बच्चियाँ यहाँ पर फिल्म फैटर्निटी से, जो टीवी फैटर्निटी से बिलोंग करती हैं, और वो बहुत दुख में है। और सभी का यही कहना है कि जो मैं कह रही हूँ कि वो बच्ची खुदकुशी नहीं कर सकती। धक्का जब एक परिवार की जो एक बिटिया, एक परिवार की जो एक माँ बाप की एक लौती संतान नहीं रही, जवान बच्ची, तो आप सोच सकते हैं सभी के किस टाइप का। अब मैं आपको जो मैं मुझे सिर्फ ये बोलते हुए आपको वो हो रहा है कि एक बच्ची बाहर गाँव से आई हुई ब्रेड एंड बटर अपना कमाने के लिए, नाम फेम शोहरत कमाने के लिए यहाँ हिंदुस्तान बॉम्बे में आके अपना नाम कमाया, इज्जत कमाया, पैसा कमाया, उसके बावजूद आज वो लड़की इस हालत में या एक डेड बॉडी बाजू में पड़ी है और उसके परिवार वाले नहीं हैं। ये आप सोच के आप सोचिए ना कितना दुख वाली बात है। अभी बहुत सारी बातें हैं जो आप कह रहे हो, मैं इस बारे में अभी नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि इसमें बहुत सारे कारण हैं। पहले हम इसे डिटेल में समझ लें अच्छी तरह से, फिर हम इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनने में आई हैं, इसीलिए आपको बता रही हूँ। टॉली जी एक बार मुझको थोड़ा सा, हमें कई लोग हैं जो जान नहीं पाए, ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है हमारी टीवी इंडस्ट्री के लिए, सबके लिए बहुत शॉकिंग है क्योंकि एक बच्ची, जिस माँ बाप की बच्ची चली गई है, माँ बाप इस हालत में है जो यहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, जमशेदपुर से कलकत्ता, कलकत्ता से फिर यहाँ आएंगे, तो उन माँ बाप की हालत देखिए आप किस हालत में होंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए। ये सुसाइड से ज़्यादा कुछ नज़र आ रहा है आपको? जी मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं हूँ, दीपक जी हैं, वो करेंगे अपनी तहकीकात और वो पूरी तहकीकात करेंगे। मेरे को मुझे जो समझ में आ रहा है यहाँ पर उनसे मिलने के बाद भी, वो बहुत बहुत लायक इंस्पेक्टर हैं और इन केसेस में वो हमेशा से डिटेल में जाते हैं हमेशा। क्या सिम्टम्स दिखे आपको, क्या बताया उन्होंने? मैं अभी देखूंगी जा करके बच्ची को। फिर भी दीपक जी ने आपको क्या बताया? दीपक जी ने आपको जैसे बताया होगा किस समय लाए गए यहाँ पे या क्या हुआ? मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी अभी पंचनामा हो रहा है और रिक्वेस्ट हम लोग ये कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम जब तक माँ बाप नहीं आते तब तक ना करें। मैम उनसे बात, माँ बाप बच्ची को देख ले। बात हुई आपकी उनसे? माँ से बात हुई है, माँ आ रही है यहाँ पर, कल तक आएंगी बोलते हैं क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो जमशेदपुर से कलकत्ता, कलकत्ता से यहाँ पर, और उसके बाद पोस्टमार्टम किया जाए। आपने उन्हें उनका हमेशा ख्याल रखा है, कभी ऐसा लगता था कि वो ऐसा कर सकती हैं? मैं खुद ताजुब हूँ जैसे आप ताजुब हो कि ये इतनी स्ट्रांग महिला, जो एक बच्ची इतनी स्ट्रांग होते हुए, इतनी स्ट्रांग महिला होते हुए खुदकुशी कैसे कर सकती है। राहुल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? राहुल यहाँ पर नहीं है इस समय क्योंकि राहुल ही उनको लेके आया और अब राहुल यहाँ नहीं है। राहुल ने खुद चाचा को फोन किया, ये बात मालूम हुई है, और खुद लोगों को इकट्ठा करके बोला ऐसा हुआ है। पर आप फोन स्विच ऑफ आ रहा है उनका और वो नहीं है, क्या लगता? बेटा फोन तो अभी थोड़ी देर में मेरा भी स्विच ऑफ आ जाएगा, समय आने दीजिए, सब असलियत मालूम पड़ेगी। लेट एवरीबॉडी डू देयर ओन वर्क। फॉर मोर न्यूज़ एंड गॉसिप्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बॉलीवुड हेल्पलाइन।